हेलो गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज सेटअप के बारे में स्टडी करेंगे। ओके गाइस, कि पेज को हम कैसे सेट करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, हम एक्सेल में जाने कि कैसे पेज को सेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं सामने में हमारा एक रिज़ल्ट है और इसे हमें एक पेज में सेट करना है। तो हम सबसे पहले इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं कि ये कितने पेज में आ रहा है। ओके गाइस, आप कंट्रोल F2 बटन प्रेस करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि हमारे पेज में केवल इतना ही भाग आ पा रहा है। ओके गाइस, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि 1 of 6, ये 6 पेज में बता रहा है। ये देखिए, सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6th, ये 6 पेज में बता रहा है। और गाइस, आज हमें इसी का ही पेज सेट करना है एक्सेल में। तो चलिए हम जानते हैं कि इसका पेज सेट हम कैसे करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले हम इसे क्लोज कर देते हैं। ओके गाइस, इसके बाद हम जाते हैं पेज लेआउट में। ओके गाइस, यहाँ पे हमारा पेज सेटअप है। ठीक है, यहाँ पर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ से हम पेज का ओरिएंटेशन, खड़े पेज में या चौड़े पेज में हमें कैसा लेना है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में पेपर साइज आता है, हमें लेटर साइज में चाहिए कि लीगल साइज में चाहिए, A3 साइज में चाहिए कि A4 साइज में चाहिए, हम अपने मैटर को देखकर पेज का निर्धारण करते हैं। क्लियर। बाकी ये प्रिंट एरिया को शो करता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमें पेज सेटअप करना है, तो हम पेज सेटअप में जाएंगे। यहाँ पे हमारा पेज का शो कर रहा है, मार्जिन का शो कर रहा है, बाकी हमारा हेडर, फुटर और शीट का है। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर निर्धारित करते हैं कि हमें एक चौड़े पेज में चाहिए, इस रिज़ल्ट को हमें चौड़े पेज में लाना है। ओके गाइस, तो हम इस रिज़ल्ट को, हम इसका पहले प्रीव्यू आपको दिखा देते हैं। हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ओके गाइस, और इसे ही हमें एक पेज में सेट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर से इसे पहले क्लोज कर देते हैं और हम पेज सेटअप में जाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले एडजस्ट में जाएंगे और एडजस्ट को हम क्या कर देते हैं, कम कर देंगे। करके देखें पहले, कंट्रोल F2 बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद हम यहीं पर से पेज सेटअप में ले लेते हैं। इसे हम और कम कर लें, 100 कर लिए और ओके कर देते हैं। क्लियर। इसके बाद हम पेज सेटअप में जाएंगे, यहाँ से हम मार्जिन में जाते हैं और मार्जिन को हम कम करते हैं।
यहाँ से आप और कम कर लें। यहाँ से हमारा ऊपर का साइड आ जा रहा है। अब इसके बाद हम पेज सेटअप में जाएंगे, हम इसे कम कर देते हैं। थोड़ा और करें, फिर जाएंगे पेज सेटअप में और यहाँ पे हम इसके इक्वल ले आते हैं। इसके बाद हम फिर पेज सेटअप में और यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल को हटा देते हैं। अब ओके करें, थोड़ा सा बच जा रहा है। आप फिर पेज सेटअप में जाएं और यहाँ पर से हम टॉप को थोड़ा कम कर लेते हैं। यहाँ से हम परसेंट को कुछ कम कर लेते हैं। या आप देख सकते हैं गाइस कि हम इस रिजल्ट को एक पेज में सेट कर दिए हैं। क्लियर गाइस? तो आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि हम पेज को कैसे सेट करते हैं। ठीक, आपको भी इसी प्रकार सेट करना है। ओके गाइस, अब आप मान लीजिए इसका प्रिंट आउट निकालना चाहेंगे, तो आप यहाँ पर से प्रिंटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपने प्रिंटर का नाम देना है, आपका जो भी होगा प्रिंटर, उस प्रिंटर को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद मान लीजिए आप एक से अधिक पेज निकालने चाहते हैं, ये सभी पेज निकालना चाहते हैं, तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपको पेज नंबर 5 से पेज नंबर 10 के बीच पेज निकालना है, तो आप इस प्रकार सेट कर देंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज़ में हर एक पेज की चार चार कॉपी चाहिए, तो आप यहाँ पर से चार चार सेट कर लेंगे और आप यहाँ पर ओके करेंगे। आप जैसे यहाँ पे ओके करेंगे, आपका प्रिंटर प्रिंट आउट निकाल देगा। क्लियर गाइस? उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। वीडियो आपको अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।